नमस्कार, मैं कल्पना आपका न्यूज 47 में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने टॉप 10 सीरीज में टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज के बारे में लेके आए हैं। जरा देखें तो कि कौन सी मूवी किस प्लेस पर रैंक करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज। द बैंकर, एंथनी मैकी और सैमुअल एल जैक्सन स्टारर, ये मूवी एंटरटेनिंग है। इस तरह की मूवीज़ के लिए जो रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से टैकल करती है और ये काफ़ी फनी भी है। द इनविजिबल मैन, एक और एलिजाबेथ मॉस स्टारर, इसी नाम के एच जी वेल्स क्लासिक नॉवल पर ली वैनल्स स्पिन एक इन्वेंटिव रिबोट था और मॉस रिलायबली ब्रिलियंट था। शर्ली एक यंग कपल के बारे में सुसैन स्काफ मेरिल के थ्रू एक एपोनियमस नॉवेल का एडेप्टेशन है, जो जैक्सन और उनके लिटरेरी क्रिटिक हस्बैंड स्टैनली एडगर हाइमन के घर जाते हैं। एलिजाबेथ मॉस ने टाइटैनिक का रोल प्ले किया है। मॉस अपने रोल्स को पसंद और उनके साथ काफ़ी रोल्स प्ले कर रही हैं। इस मूवी में मॉस शर्ले बन जाती हैं। द वास्ट ऑफ नाइट एक इंडी साइंस थ्रिलर, उन क्लासिक स्टोरीज और यूएफए और एलिग एलियन देखे जाने के अकाउंट और उन पर बने शो और फिल्म के स्टडी डाइट पर वापस आती है, जिस पर हम में से कई बड़े हुए हैं। एंड्रयू पैटरसन द्वारा स्टीयरिंग और जेम्स मॉन्टेग और क्रेग डब्ल्यू सिंगर द्वारा लिखी गई ये मूवी कोई सीक्रेट नहीं बनाती है कि ये नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस होने के लिए और उन ऑडियंस के लिए है जो वैसे भी काफ़ी पुराने हैं। 7500 जोसेफ गार्डन लेविट स्टारिंग, एक प्लेन हाईजैक की सैड परेशान करने वाली ड्रामेटाइजेशन है। फिल्म व्यूवर्स को यह फील कराने का एक बहुत बड़ा काम करती है कि जोइबस किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है। रिस्ट्रिक्टिव सिनेमेटोग्राफी स्टोरी के लिए अच्छा काम करता है, जो पहले से ही स्काई हाई टेंशन को बढ़ाता है। ऑनवर्ड पिक्सर का बेस्ट नहीं, लेकिन यह गोल्ड की नगेट का एक पीस कहने जैसा है, जो उतना शाइनी नहीं है। बिजनेस में बेस्ट से एनिमेटेड फीचर ऑनवर्ड मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के दो एक्टर्स जॉम हॉलैंड और कैरिस प्रेट को एक साथ लाया। ये दो एल्फ ब्रदर्स इयान और जॉ लाइटफुट के आसपास घूमता है, जिन्हें रिस्पेक्टिवली हॉलैंड और प्रेट के थ्रू आवाज़ दी गई थी, जो ये पता लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवर स्टार्ट करते हैं कि क्या अभी भी लिटिल मैजिक बचा है। सोनिक द हेजहॉग ने उसी नाम के आइकॉनिक सेगा वीडियो गेम करेक्टर को एक छोटे शहर के पुलिस वाले से दोस्ती करते हुए और अथॉरिटीज से बचने के लिए उनकी हेल्प लेते हुए देखा, स्पेशली जिम कैरी के डॉक्टर रोबोटनिक जो उसे पकड़ने के लिए हेल में है। बर्ड्स ऑफ प्रे, इस कैथी यान के डायरेक्टोरियल को 2016 को सीरियस रूप से प्लान सुसाइड स्क्वाड की शेडो से बाहर निकालना पड़ा। फॉर्चुनेटली इसमें मार्गोट रॉबी की हार्ली क्वीन मूवी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ों में से एक है और ब्रिलियंट एक्टर्स की एक कास्टिंग भी थी। एक अच्छी स्टोरी, ग्रेट डायलॉग और एक अच्छे टोन के साथ मिलकर मूवी एक फनी एक्शन एंटरटेनमेंट के साथ बनी थी। बैड एजुकेशन, ह्यूग जैकमैन और एलिसन जेनी स्टेरिंग, यह एक एंटरटेनिंग कॉमेडी ड्रामा है। बेसिकली यह एक कॉमेडी है और इसमें एक आउट एंड आउट सटायर की कई करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। यह स्पेशली करप्शन इन एजुकेशन को इतनी सीरियसली के साथ मानता है जो वह डिजर्व करता है। ह्यूग जैकमैन और एलिसन जेनी दोनों ही कॉम्प्लेक्स थ्री डायमेंशनल करेक्टर से भरे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए न्यूज 47।